पूरे देश में जनता की आवाज बनकर खड़गे साहब लड़ रहे हैं, पूरी कांग्रेस पार्टी लड़ रही है और यही कारण है कि हम कर्नाटक जीते। कर्नाटक का एक बड़ा उदाहरण है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, इन्होंने सबने मिलकर जो मेहनत की और कर्नाटक में कांग्रेस को एकजुट रखा, कितने ही वॉर हुए, कितना ही अटैक हुआ, बजरंग बली को लेकर आए बीच में, लेकिन बजरंग बली की और राम की कृपा हमारे ऊपर थी, संजीवनी राहुल गांधी जी के हाथ में दे दी, खड़गे साहब के हाथ में दे दी और वो संजीवनी बीजेपी के खिलाफ काम आ गई, हम जीत गए। अब फिर लोग राजस्थान में जीत की तरफ देख रहे हैं कि कांग्रेस जीतेगी, छत्तीसगढ़ एमपी कांग्रेस को लोग जिताना चाहते हैं। हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम सब हमारे खुद का जो भी कोई प्रेस्टीज इश्यू है तो उसको छोड़कर आगे बढ़े और ये सब चलता रहता है। हमारा काम बहुत अच्छा है, आप जानते हैं राजस्थान एकमात्र स्टेट है जहां दवाई इलाज टोटल फ्री है, एक पैसा किसी व्यक्ति का नहीं लगता। क्या बात करते हो, चिरंजीवी योजना और आ गई जिसमें 25 लाख तक का प्राइवेट अस्पतालों में इलाज फ्री है, एक्सीडेंट हो जाए तो तुरंत उसको 10 लाख रुपए की सहायता की सरकार की तरफ से दी जाती है, 1 करोड़ रुपए, एक करोड़ लोगों को बुजुर्ग विकलांग विधवा पेंशन मिलती है, 1000 रुपए मिनिमम पेंशन है, जहां किसानों को 1000 रुपए महीना पेंशन मिल रही हो, जहां पर महिलाओं के लिए सैनिटरी पैड टोटल फ्री हो,